नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी की रोकथाम करने के लिए 7 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जिसे धारा 144 लागू हो गई है। वहीं किराना, सब्जी, दूध, दही और सब्जी पूरी की रेड़ी लगने से धारा 144 का उल्लंघन पूरी तरह से सोना के बाजारों में देखा जा सकता है। सभी दुकानों पर सामान खरीदने आए लोगों की भारी भीड़ जमा रही, जबकि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर पूरे देश की दुकानें पूरी तरह से बंद थी। वहीं आज इन दुकानों के खुलने से शहर के बाजारों में चहल पहल बनी रही, लोगों का आना जाना लगा रहा। जबकि प्रदेश सरकार ने धारा 144 लगाकर लोगों से ज्यादा भीड़ इकट्ठी न होने पर पाबंदी लगाई हुई है। एसएचओ साहब, आज की जो लॉकआउट बोलने सरकार ने करा, उसके बारे में आप क्या कहोगे? उसके आदेश की पालना की जा रही है। व्हीकलों पर जो है ना, हमने नाकाबंदी लगा करके और इनके जो व्हीकलों के चलान किए जा रहे हैं, जो अननेसेसरी चल रहे हैं, जो इमरजेंसी के हैं, उनको रियायत दी जा रही है। बाकी कंट्रोल है, बहुत अच्छा है, पब्लिक का बहुत सहयोग है यहाँ का। अब तक कितने चलान काटे हैं ऐसे जो मतलब इलीगल गाड़ियाँ जा रही हैं? कोई तो कई गाड़ियाँ हमने इंपाउंड भी की है, बस इंपाउंड की है और बुलेट वगैरह भी इंपाउंड की है हमने। जो गाड़ियाँ इंपाउंड करी हैं वो किस बेस पर करी हैं आपने? वे सवारी जो है अनऑथोराइज सवारी ले जाने के उसमें इंपाउंड की। डॉक्यूमेंट थे नहीं थे उन पर? डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे उनके। तो इसके बाद अब क्या प्रोग्राम, मतलब शहर में जैसे भीड़ ज़्यादा होती है उसके बारे में क्या रोकथाम के लिए क्या करा आपने? ठीक है जी, पब्लिक साथ दे रही है और हम कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी देख रेख में सारा जो भी कमी पेशी होती है उसका पूरा कर रहे हैं। नहीं, जैसे धारा 144 लगी हुई है उसके बाद ही भीड़ की ज़्यादा संख्या एक जगह पर हो रही है? हाँ, पब्लिक को समझा रहे हैं और उसी हिसाब से मान भी रहे हैं लोग, बाग बाकी कोऑपरेशन मिल जाए जनता का और अच्छा बढ़िया रिस्पॉन्स है। जितना कल रेफरेंस था मोदी जी के आह्वान पर, आज उतना असर नहीं दिखाई दे रहा जितना कल था, इसके बारे में क्या कहोगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, आज भी बहुत है, पब्लिक बहुत पुलिस के साथ है, कोऑपरेशन करती है। प्राइवेट, सरकारी, कौन कौन से वाहन ऐसे जो चल रहे हैं सवारियों में? प्राइवेट भी चले जो इमरजेंसी के हैं, बीमार हैं, और या जो गुड्स वगैरह के जो खाने पीने के सामान के हैं उनको ध्यान दिया जा रहा है। और जो बाहर की सवारी आने जा रही हैं वो किस तरह से जाती हैं, अपने जा रही हैं अपने घरों पर? हमने नाकाबंदी लगा के उन पर कंट्रोल किया हुआ है, कोई ज़रूरी इमरजेंसी का ही गाड़ियाँ जा रही है, बाकी कंट्रोल है। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 31 मार्च तक लगा दिया, इसके बारे में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं सोना में? जी, सरकार के द्वारा निर्देशित जो आदेश हैं उनकी कड़ी अनुपालना की जा रही है और जो है एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन एवं पुलिस की सहायता से इन निर्देशों की पूरी तरह से पालना करने के लिए किया जा रहा है इम्प्लीमेंटेशन। धारा 144 लगने के बाद भी किराना की दुकान, सब्जी की दुकान जो है वहाँ पर इतनी भीड़ लगी रहती है, उसके बारे में क्या कार्रवाई करोगे? देखिए, एसेंशियल कॉमोडिटीज जो है वो अवेलेबल रहेंगे लोगों के लिए और लोगों से जो है बड़ी ही सख्ताई से ये संदेश दिया जा रहा है और लोगों में अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है। धारा 144 लगाई गई है और सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपने घरों में ही रहें। अगर एसेंशियल कॉमोडिटीज जब बहुत ज़रूरी है तभी वो घर से बाहर निकले और इसके लिए जो है हमारे प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी से इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन इसकी करवा रहे हैं। जो ये दुकानें हैं खुलती हैं, किसी इनका समय भी निर्धारित किया हुआ है? नहीं, देखिए, एसेंशियल कॉमोडिटीज जो है वो ओपन है अभी सभी के लिए और इसके अलावा जो है बाकी सभी जो है वो चीज़ें बंद कर दी गई हैं और इसकी कड़ी सख्ताई से अनुपालना की जा रही है। मैडम, जिस समय ये दुकानें खुलती है उस टाइम भीड़ हो जाती है या धारा 144 का उल्लंघन होता है, उसके बारे में कुछ कार्रवाई होगी नहीं होगी? जी हाँ, बिल्कुल, अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति पाया जाता है, क्योंकि धारा 144 लागू है तो पुलिस प्रशासन और जो प्रशासन है वो कड़ी सख्ताई से इसकी अनुपालना कर रहे हैं और लोगों में जो है इस बारे में जो है हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं उनके द्वारा और मीडिया के माध्यम से सब जगह नोटिफाई कर दिया गया है कि धारा 144 लगी हुई है और लोग अपने घरों में ही रहे। सरकार के द्वारा लॉकडाउन करने के बाद आज बाजार में लोगों की चहल पहल रही उसी तरह, जिस प्रकार पर इतना नहीं था जितना होना चाहिए था, जैसे कल रविवार को 22 मार्च को
प्रधानमंत्री जी के आदेश में सभा बंद रहा था, आज चहल पहल बनी रही। जबकि कहते हैं कि धारा 144 होने के बाद भी लोगों का आना जाना नहीं होना चाहिए, हर जगह भीड़ मिली। देखिए, इसी बारे में जो है हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं और पुलिस प्रशासन है वो सख्ताई से इसके अनुपालन कर रहे हैं और हम पूरी मुश्तैदी से इस चीज में जुटे हुए हैं कि लोग अपने घर से बाहर ना निकले यदि उनको एसेंशियल कोई कॉमोडिटीज के लिए काम हो, अदरवाइज ना निकले। और लोगों तक भी ये बात फैलाई जा रही है, लोगों से भी अपील की जा रही है। गुरुग्राम के सोना से केकेडी न्यूज संवाददाता अशोक गर्ग की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।